जी, आपने जो उपाय बताए हैं तो शेरनियों के साथ साथ जो हमारे शेर हैं वे उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल तो शेर भी उसी राह पर निकल चुके हैं। अरे निकलना भी चाहिए, ब्यूटी सुंदर दिखने का हक जितना लड़कियों को है उतना लड़कों को भी है। और मुझे लगता है स्वामी जी आप भी इंस्पायर करते हैं, क्योंकि एक तो आपकी उम्र उसका पता ही नहीं लगता कितनी है, दूसरे आपके काले घने लंबे बाल, तो आप भी बहुत इंस्पायर करते हैं पुरुषों को भी स्वामी जी। अब स्वामी जी बॉडी डिटॉक्स के लिए भी पाक शास्त्र में आपने कुछ उपाय रखे हैं, तब उसकी आप तैयारी करेंगे। तब तक मैं दर्शकों को बताता हूँ कल किस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं। मैं 20 साल का तो हाथ पैर कांपना, कमजोरी, तेज धड़कन, क्या व्रत में इंबैलेंस होता है शुगर, उपवास में ना सताए थकान, ग्लूकोज लेवल का कैसे रखे ख्याल, नवरात्रि में 9 दिन कीजिए योग, शरीर में इंसुलिन रहेगा कंट्रोल। तो कल से नवरात्रि की शुरुआत के साथ करेंगे 9 बीमारियों पर वार, और सबसे पहले करेंगे डायबिटीज पर कल वार सुबह 7:56 पर। स्वामी जी, साथ ही स्वामी जी अपनी बात भी आप पूरी कर लें, माफी चाहूंगा आपको काटना पड़ा था। ये मैं कह रहा था 50 साल का तो मैं योगी हो गया हूँ, 30 साल का सन्यासी, हमको बच्चा न जानना। हाँ, गाय का घी, फिर उसमें थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा ये हिंग का तड़का, और फिर इसके अंदर ही जो है डाइजेशन बहुत अच्छा रखती है, अदरक बड़ी अच्छी होती है, थोड़ी सी अदरक, जो लहसुन खाते हो तो थोड़ा लहसुन भी इसके अंदर पका ले, पकाने के बाद फिर लहसुन उपद्रव नहीं करता है, ये यही खुदक खुदक करके ठीक हो जाता है। और थोड़ी सी कच्ची हल्दी डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर ये डाल दी प्याज, प्याज बड़ी अच्छी होती है, प्याज और हरी मिर्च जो है ना वो थोड़ी मात्रा में डालनी चाहिए, नहीं तो हरी मिर्ची जो है ज़्यादा हो ना तो फिर उससे उपद्रव होते हैं। और इसको करके मिक्सी के अंदर हमने ये जो है पहले इसको लौकी को पूरा का पूरा ले करके और इसको पेस्ट बना लिया और फिर इसको डाल दिया। ये लौकी का जो सूप है ना ये बड़ा ज़बरदस्त है। अब बिटिया थोड़ा सा हेल्प करो, हाँ, और थोड़ा सा और पतला बनाना है तो उबला हुआ पानी भी साथ में इसी के अंदर डाल दो और इसको जो है हिलाओ। और इधर से ये जो है आज हमने मिक्स फ्रूट रखा है और इसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक वो डाल करके इसको खाना चाहिए। खाने वाले तो बहुत से मुँह ताक रहे, इधर ही आओ जी, आप भी खाने वाले जाओ। और अरे और ये चुकंदर का जूस, लौकी का जूस, चुकंदर का जूस, ये भी बड़ा अच्छा होता है। हाँ, ये जो है इससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। अनार, गाजर, चुकंदर तीनों ले लो तो एक सप्ताह में 7 से पूरा 14 हीमोग्लोबिन हो जाता है, ये इसकी महिमा। तो ये आज हमने चुकंदर का जूस बता दिया, लौकी का जूस, चुकंदर का जूस बड़ा ही गुणकारी है और जो है पीने वाले तो दौड़ दौड़ के आ गए हैं दूर दूर से, तो जिनका थोड़ा हीमोग्लोबिन कम है वो तो ये ले लेना। और बाकी जो है ये जो मिक्स फ्रूट है ना इसमें कुछ लोग कहते हैं ना जी स्वाद एक फ्रूट का जमा नहीं, तो सारे फ्रूट्स मिक्स करके एक चुटकी सेंधा नमक डाल करके खाएंगे तो फिर आपको अनाज और तमाम तरह का आड़ कबाड़ खाने की इच्छा नहीं होगी, तो उपवास से पहले की तैयारी हो गई। लौकी का सूप पियेंगे और जूस पियेंगे तो पूरा बॉडी डिटॉक्स रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।